करेंगे, अब हम करेंगे कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट्स में जो चीजें हमने करनी है वो है शेयर्स, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स में ये टॉपिक्स हैं। प्रेफरेंस शेयर में एक टॉपिक है रिडेम्पशन, ठीक है। अब पहली बात, शेयर्स क्या होता है? मीनिंग, जो शेयर होता है वो ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है कंपनी की। तो शेयर्स वो यूनिट्स हैं जिसके द्वारा आप कंपनी के क्या बन जाते हो? ओनर। सेकंड पॉइंट में भी यही कहा, देर आर दीज आर टू ओनरशिप राइट्स। तो अगर आपको शेयर है तो आप मालिक हो। यह कि कितने शेयर है आपका मालिकपन का इंपॉर्टेंस उस बात पर डिपेंड करता है। किसी कंपनी के 10 करोड़ शेयर हो और आपके पास 5 शेयर है तो आप मालिक तो हो पर 5 शेयरों की हो तो आपकी हिस्सेदारी तो बहुत कम होगी ना। ऐसी एक बारी ना एक लड़की वाले लड़के को देखने आए, तो उन्होंने पूछा भाई लड़का क्या करता है। तो लड़के का बाप बोला जी बड़े बड़े बिजनेस में इसका इंटरेस्ट है, स्टील में पैसा लगा रखा है, बहुत काफी सारे बिजनेस करता है जी, स्टील का, ऑटोमोबाइल्स का, आपका सीमेंट का, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वगैरह का। भाई साहब लड़की वाले बड़े इंप्रेस हो। तो उन्होंने कहा कि चलो रिश्ता पक्का कर लेते हैं। फिर बोले नहीं एक बार ही ना जरा बड़े भाई साहब से पूछ लें, उनको बता दें, अच्छा नहीं लगता। तो घर गए तो भाई साहब को बताया, तो भाई साहब बड़े हैरान हुए, बोले यार थोड़ा मैं वो कराता हूँ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करी पता चला ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो लड़के वाले से फिर मिले, बोले भी आपने तो झूठ बताया, ऐसा तो कुछ नहीं। कहते नहीं नहीं इसके पास इसका है क्यों नहीं है, टाटा स्टील के इसके पास 2 शेयर है, स्टील के व्यापार में लगाया हुआ उसने पैसा, रिलायंस इंडस्ट्री में भी इसके पास 50 शेयर है, रिफाइनरी में पैसा लगा हुआ इसका, इंफोसिस में भी 5 शेयर है। आप थ्योरेटिकली तो टू ओनर हो ही, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंस इस बात पर डिपेंड करती है किस बात पे, कितने शेयर है आप। क्योंकि कंपनी के शेयर होते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए आपका 150 शेयर तो आप ओनर दो, पर आपका प्रपोर्शन बहुत ही कम होता है। तो शेयर्स की एक फेस वैल्यू या डिनोमिनेशन होती है जो कि 10, 5, 100 या 1 रुपया होगा। कैपिटल जो होती है कंपनी की उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं, और शेयर कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं सेम फेस वैल्यू के शेयर्स, मतलब उसके जो टुकड़ा होता है। शेयर का मतलब भी क्या होता है? हिस्सा। शेयर कैपिटल का एक हिस्सा एक शेयर का होता है। ये डिनोमिनेशन को हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू या पार वैल्यू। तो कंपनी से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, लाभ का वो अंश, डिविडेंड मतलब हिस्सा, लाभ का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में डिवाइड करे, तो वहां से वर्ड बन गया डिविडेंड। प्रॉफिट का वो हिस्सा लाभांश हो गया जो शेयर होल्डर्स में बांट दिया, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। क्योंकि ये तो टू ओनर्स होते हैं, तो जो सबको देने के बाद प्रॉफिट बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो इसलिए उनकी जो डिविडेंड की मात्रा है वो घटती बढ़ती रहती है। अगर कंपनी का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे देती है, और थोड़ा बुरा परफॉर्मेंस है तो कम डिविडेंड दे देती, लॉस हो तो डिविडेंड देती भी नहीं। इसलिए इसमें रिस्क क्या होता है? हाई होता है। आपको ऐसे बीसीओ कंपनी के देखने को मिलेगा कि शेयर किसी जमाने में इतने अमाउंट का था, अब बड़ा कम हो गया। डीएलएफ का नाम सुना होगा, 1000 रुपए से ऊपर का शेयर था, आजकल 200 से नीचे चल रहा है। यूनिटेक 500 से ऊपर का रेट था, आजकल 30 के नीचे चल रहा है। मेरे समझा
टाटा स्टील 1000 से ऊपर का रेट था, आजकल मेरे का 250, 300 या 350 के आसपास हो। नहीं मेरी बात समझ? तो रिस्क बहुत हाई है। तो प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी का जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, उसमें बड़ा उतार चढ़ाव रहता है। क्लियर? दूसरे शेयर होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के मुकाबले दो चीजों का प्रेफरेंस मिलता है, इससे इनका नाम पड़ गया प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहली बात याद रखें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस किसके ऊपर है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर है। और कितने प्रेफरेंसेस है? दो। एक है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी अगर कंपनी डिविडेंड बांट रही है तो पहले उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा, उसी के बाद वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हैं। यानी बिना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिए कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती। दूसरा, कल को कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, लिक्विडेट मतलब बंद हो जाती है, तो बंद के वक्त कंपनी सबका पैसा लौटा देती है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटाएगी, फिर बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटाएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है। उनका डिविडेंड क्या होता है? फिक्स्ड। प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो उनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा। पर डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी का क्या होगा? प्रॉफिट। लॉस में डिविडेंड नहीं मिलता। कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि मान लो इस साल लॉस हो गया और कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, फिर अगले साल लॉस हो गया कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, फिर उसके अगले साल प्रॉफिट हो गया, तो वो उस साल का डिविडेंड तो देगी देगी, इसके साथ साथ पिछले दो सालों का भी डिविडेंड देगी। उसको क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब जुड़ के मिलना। क्या कंपनी जो है आज की पोजिशन ये है कि नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती। रिपीट आ गया मतलब? कैसे लगा बेटा? तीसरा पैसा उठाने का तरीका होता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एक प्रकार के लोन होते हैं। तो यानी कंपनी का जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है ना, अगर ध्यान से देखें, सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब पैसा कहां से आएगा, तो वो दो हो जाता है, ओनर्स फंड्स और लेंडर्स फंड्स। ठीक, ओनर्स फंड में जो मुख्यतः पैसा आता है वो आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है जैसे कंपनी ने 10 करोड़ रुपए कमाए और कंपनी ने 4 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड बांट दिया, तो 6 करोड़ तो कंपनी के पास ही रह गया ना, वो बिजनेस में कंपनी री इन्वेस्ट कर देती है और उसको फिर हम क्या बोल देते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोल देते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। कोई डाउट? ठीक। लेंडर्स का पैसा आ जाता है किस तरह से? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। एलटीबी क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तीन रूप में लेंडर्स का पैसा, बैंक से ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया लंबे पीरियड के लिए। कैसा लगा? तो हम चर्चा कर रहे हैं डिबेंचर्स की, यानी लेंडर्स फंड्स। क्लियर हो गया? तो दीज आर लेंडर्स टू द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? लेंडर्स। दे गेट फिक्स्ड इंटरेस्ट वेदर देर इज प्रॉफिट और लॉस टू द कंपनी। यानी लेंडर्स को ब्याज जरूर मिलेगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एक्सपेंस। कंपनी जो इंटरेस्ट देती है डिबेंचर्स पे वो एक्सपेंस होता है और वो अपने P&L में उसको डेबिट कर देती है। ऑन लिक्विडेशन कंपनी पहले लेंडर्स का पैसा चुकाती है, फिर नंबर किसका आता है? शेयर होल्डर्स। और ये कंपनी के बेसिकली क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रेडिटर्स। इनका रिस्क काफी लो होता है क्योंकि ये तो कंपनी के एसेट भी बिकवा देंगे अपने पैसों के लिए। तो डिबेंचर होल्डर्स या तो सिक्योर्ड होंगे या अनसिक्योर्ड होंगे। सिक्योर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज हम उनके पास गिरवी रख के पैसा लेते हैं, और अनसिक्योर्ड का मतलब होता है कि
कि हमने कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी, पर देनदारी तो हमारी दोनों केसेस में होती है, ये नहीं कि अनसिक्योर्ड है तो उनके पैसे खा जाएंगे। जब तक कंपनी के पास एसेट्स हैं उनको बेचकर उसको पैसे देने की जिम्मेवारी तो कंपनी की है ही। क्लियर? अब थोड़ा टेस्ट लेते हैं, बताइए हु आर लेंडर्स ऑफ द कंपनी? डिबेंचर्स, वेरी गुड। हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? ट्रू ओनर्स। ट्रू ओनर्स में तो इक्विटी शेयर्स आते हैं। हु गेट फिक्स्ड डिविडेंड्स? प्रेफरेंस शेयर्स। हु गेट देयर इनकम इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर का कंपनी हैज अर्न्ड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेस? डिबेंचर्स। इंटरेस्ट उनको मिलेगा चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस। कैसा लगा? अब चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी के शेयर कैपिटल को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी कहलाती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है जिसकी कंपनी ने परमिशन ली हुई है, अर्थात ये मैक्सिमम लिमिट है कंपनी की शेयर कैपिटल की जो कंपनी लोगों को इशू करके पैसा रेज कर सकती है। इससे ज्यादा शेयर कैपिटल वो इशू नहीं कर सकती। अगर उसको ज्यादा इशू करना है तो उसको अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़वाना पड़ेगा। इशूड कैपिटल होती है जो कंपनी लोगों को ऑफर करती है कि भाई आप मेरे शेयर ले लो, क्या आप मेरे शेयर ले लो, ऑफर करती है। और सब्सक्राइब कैपिटल होती है जितने शेयर लोग अप्लाई करते हैं और उनको अलॉट होते हैं, यानी अलॉटेड वाले। कौन से वाले? समझ आ गया ना? जैसे कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख, इसमें से कंपनी ने 3 लाख शेयर ऑफर किए, लोगों ने अप्लाई किए 3.5 लाख शेयर अप्लाई, पर उनको अलॉट हुए 3 लाख, तो फिर सब्सक्राइब भी क्या हो जाएगी? 3 लाख हो जाएगी जितने अलॉट हुए। फिर कॉल्ड अप जितना कंपनी ने मांगा। अब कंपनी ने इन 3 लाख शेयर्स पर ऑफ ₹10 है पर मांगा क्या है ₹8, तो फिर ये 8 किया 24 लाख क्या हो जाएगी? कॉल्ड अप कैपिटल। ऑफ ₹10 एट द रेट ऑफ 8 कॉल्ड। समझ आ गया? अब 24 लाख में से 10,000 शेयर पर ₹5 नहीं है तो 50,000 क्या है? अनपेड अमाउंट। तो पेड अप वैल्यू क्या हो जाएगी? 23,50,000। समझ आ गया? पेड अप वैल्यू क्या हो जाएगी? 23,50,000। कैसा लगा? पहला ऑथराइज शेयर कैपिटल जितनी कंपनी लॉ कंपनी ने परमिशन ले रखी है, फिर इश्यूड जितना कंपनी ने लोगों को ऑफर किया, फिर सब्सक्राइब जितने लोगों ने अप्लाई किया और उन्हें अलॉट हुए, कॉल्ड अप जितना पैसा मांगा हुआ, पेड अप जितना आया हुआ। कॉल्ड अप में से कॉल्स इन एरियर घटा दो तो क्या आ जाता है? पेड अप। आइए टेस्ट लेते। अ कंपनी कैन टू द मैक्सिमम इश्यू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इट ऑफर टू पब्लिक 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। पब्लिक अप्लाइड फॉर 8,000 इक्विटी शेयर्स विच वर अलॉटेड। ऑफ दिस 1,000 इक्विटी शेयर्स वर फोरफिटेड, द रेस्ट वर ₹8 कॉल एंड 2 शेयर होल्डर्स होल्डिंग 500 ईच डिड नॉट पे ₹2 पर शेयर। व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल? ₹1,00,000 × 10, ₹10,00,000। समझ आ गया बेटा? आपको आ रहा है समझ में? तो जवाब दे नहीं रहे आप। अगला बताओ, व्हाट इज इश्यूड कैपिटल? 20,000 × 10, ₹2,00,000। व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल? 80,000। 8,000 शेयर इंटू 10 जो लोगों ने अप्लाई किए, 80,000 अलॉट हो गए। व्हाट इज पेड अप कैपिटल? अब 8 में से 1,000 तो फोरफिट हो गए, तो 7,000 शेयर हैं जिसपे कंपनी ने ₹8 मांगा हुआ है, 7 × 8 ₹56,000 मांगा हुआ है, और
500 शेयर्स दो बंदों के हैं, 500 तो उन्होंने पैसे नहीं दिए, कितने नहीं दिए, 2 रुपए के हिसाब से 2000, तो कंपनी के पास कितने आए हैं, 54000, तो पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगा, 54000 भाई, 8 में से 1000 तो क्या हो गया फोरफिट, तो कंपनी ने मांगा कितना हुआ, 7000 पे, 7000 पे 8 रुपए के हिसाब से 56000, 56000 में से 2000 नहीं है तो आए कितने हुए, 54000, क्लियर है ना। अब व्हाट इज कॉल्ड अप, अभी बताया 56, अभी बताया था कॉल्ड अप 56, कैसा लगा। तो कॉल्ड अप अमाउंट होता है जो कंपनी ने एक्चुअली में पैसा मांगा हुआ, कॉजिन एरियर है, कंपनी ने मांग लिया पर शेयर होल्डर ने नहीं दिया, कॉल्ड अप में से कॉजिन एरियर घटा दो तो क्या आ जाता है, पेड अप। कई लोग एडवांस में कॉल्स दे देते, क्या दे देते, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, अगर कोई एडवांस में पैसा दे दे, कैसा लगा। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी के, मतलब कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम होता है जो कंपनी को बाहरी लोगों से डिफाइन करता है, यानी बाहरी लोगों को पता चलता है मेमोरेंडम से कि मैम कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज कौन है, कंपनी जब बनी थी तो किन किन लोगों ने उसको सब्सक्राइब करके कंपनी बनाया था, तो इस तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी को किससे बांधता है, बाहर की दुनिया से, बाहर की दुनिया को परिचय देने के लिए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, एक प्रकार इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके द्वारा कंपनी अपना इंटरनल बिजनेस कंडक्ट करेगी, क्या करेगी, इंटरनल बिजनेस। तो यहां लिखा भी है ऑल इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंपनी आर कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेड एंड डिसाइडेड बाय द शेयरहोल्डर्स। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसी मैटर में साइलेंट है, रिपीट, तो उस केस में टेबल ए में सैंपल प्रोविजंस है, क्या है, तो टेबल ए के प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा अगर कोई मैटर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है या वो साइलेंट है। जैसे लग, जैसे मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं, कॉल्स इन एरियर है, अगर कॉल्स इन एरियर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं करता है, ये कहता है इंटरेस्ट तो देना है पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताता कितना देना है, तो उस केस में टेबल ए के अनुसार अगर कॉल्स इन एरियर है तो आप 5% पर एनम के हिसाब से शेयर होल्डर से